शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, पिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। कह दो मित्र जो कुछ भी तुम्हारे मन में। आप ही पढ़ लीजिए ना केशव कि क्या है मेरे मन में। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ मित्र, परंतु जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। अब कह भी दो मित्र, क्या है तुम्हारे मन में। इस समय जो मेरे मन में चल रहा है वो ये है कि ये आपने मुझे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, और तुमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह निर्णय मुझे आपके विपक्ष में खड़ा कर देगा। केशव, आपको तो युद्ध का परिणाम पता है ना। केशव, किसी अनहोनी के होने से पहले उसका ज्ञात हो जाना क्या वो आपको पीड़ा नहीं देता। केशव, मनुष्य संतोष से इसलिए जीता है क्योंकि वो नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। वो नहीं जानता कि वो जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। परंतु यदि उसे ज्ञात हो जाए कि अगले पल क्या होगा या वो कब मर जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि उसके आने वाले पल भय और चिंता में बीतेंगे। ये सोच पर निर्भर करता है अंगराज। यदि मनुष्य को अपना अंत ज्ञात हो तो हर वो क्षण जिसे हम व्यर्थ करते हैं उन क्षणों को जिया भी जा सकता है। इस नदी को देख रहे हो, इस बहती नदी को पता है कि अंततः इसे सागर में जाकर मिल जाना अधिक ज्ञान पीड़ादायी नहीं होता मित्र। अधिक ज्ञान उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि तुम्हें भी भूत और भविष्य का कुछ अधिक ज्ञान होता तो कदाचित तुम भी अधिक न्यायपूर्वक निर्णय कर पाते। आपका मंतव्य यही है ना कि पांडव उचित हैं और दुर्योधन अनुचित। क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है केशव ये दोनों अपने अपने स्थान पर दोषी हैं। और इसी कारण से दोनों अपनी अपनी दृष्टि में निर्दोष और सही हैं। यदि दोनों ही दोषी तो तुम निष्पक्ष क्यों नहीं हो जाते मित्र। क्योंकि मुझे लगता है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से
कहीं अधिक सक्षम शासक सिद्ध होगा। इतने अधर्म करने के पश्चात भी? हाँ, क्योंकि वो युधिष्ठिर की भांति धर्मराज होने का ढोंग नहीं करता। आप ही बताइए केशव, कि जिसने स्वयं की पत्नी को दांव पर लगा दिया हो, जिसने द्यूत के कुचक्र से निकलकर स्वयं को द्यूत में फिर से फंसा लिया हो, वो कैसा धर्मराज? युधिष्ठिर की असमर्थता के कारण। राजकुमार युधिष्ठिर, मेरे मेरे शौन की रक्षा कर लीजिए। मेरा अनुज शौन मृत्यु की भेंट चढ़ गया। जब मुझे सूत पुत्र कहकर रंगभूमि की स्पर्धा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, राजकुमार के साथ द्वंद की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। तब भी धर्मराज का धर्म मौन था। ऐसे में दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, जिसे आप अधर्मी कहते हैं। आज मैं अंगराज हूं, परिवर्तन के लिए खड़ा हूं, वो केवल दुर्योधन के कारण। केश, मैंने कहा था ना, यदि तुम्हें तनिक अधिक ज्ञान होता तो तुम उचित निर्णय ले पाते मित्र। समझा नहीं? तुम सदा स्वयं को सूत पुत्र समझते आए होकर, और यदि तुम्हारा ये ज्ञान मिथ्या हुआ तो? मिथ्या? हाँ कर, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम वास्तव में हो कौन। मुझे क्या है कि मैं कौन हूं? मुझे गर्व है कि मैं अधिरथ पुत्र करण हूं, राधे पुत्र करण हूं, सूत पुत्र करण हूं। तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम अधिरथ पुत्र नहीं, तुम सूत पुत्र नहीं। ने कभी ये नहीं सोचा कर्ण, एक सूत पुत्र के शरीर दिव्य स्वर्ण से मढ़े कवच और कुंडल क्यों है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठा कि एक साधारण से सारथी के पुत्र के पास ये कवच और कुंडल क्यों है? क्या तुम ये सोच कर कभी व्याकुल नहीं होते कर्ण कि तुम शेष से इतने भिन्न क्यों हो? तुम सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। स्वयं सूर्य नारायण के अंश हो तुम कर्ण, यह सत्य है। मेरे पिता अधिरथ हैं और मेरी माता राधा। सत्य से भागो मत कर्ण, और सत्य यही है, अधिरथ तुम्हारे पालक पिता हैं। तुम उन्हें गंगा किनारे मिले थे, कभी सोचा नहीं कि क्यों सूर्य का तेज तुम्हारे मुखमंडल पर रहता है? कभी अनुभव नहीं किया मित्र कि क्यों सूर्य का ताप तुम्हारे शरीर पर स्निग्धता का अनुभव कराता है? तब भी समझ नहीं आया तुम्हें जब दिग्विजय करते समय पांचाल युद्ध में क्यों शत्रु पक्ष पर सूर्य देव का ताप बरस रहा था? चूंकि तुम अधिरथ पुत्र नहीं,
तुम सूर्य देव का आशीर्वाद हो कर्ण। यदि मैं पिताश्री को गंगा किनारे मिला था तो मेरी माता को कर्ण, अपनी माता से बहुत पहले से भेंट करते आ रहे हो तुम कर्ण, क्योंकि रक्त सदा रक्त का सम्मान करता है। कभी सोचा है कि वो कौन है जिनके समक्ष आते ही तुम्हारी दृष्टि उनके पांव की ओर चली जाती है? वो कौन है जिनसे हर युद्ध से पूर्व उनका आशीष लेने का तुम्हारा मन करता है? कौन है कर्ण जो सदा तुम्हें अपने पुत्रों के समान प्रेम करती है? वो कौन है जिनकी आंखें तुम्हें देखते ही भर आती हैं? अर्जुन से द्वंद्व होने के पश्चात भी तुमने कभी पांडवों का अहित नहीं चाहा, कभी उनकी रक्षा की, कभी उन्हें चेतावनी दी। क्यों कर्ण? इसलिए नहीं कि तुम न्याय चाहते, अपितु इसलिए कि तुम्हारी धमनियों में बहता हुआ रक्त तुम्हें पुकार रहा था। हाँ कर्ण, तुम राधे नहीं कुंती पुत्र हो। पांडवों के ज्येष्ठ हो। हाँ कर्ण, बुआ कुंती ही तुम्हारी माता है और तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र। ये सत्य नहीं है। कह दीजिए केशव की यह सत्य है। आप चाहते हैं ना कि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाऊं, अपने मित्र का साथ छोड़ दूं, इसलिए आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। आप छल कर रहे हैं मेरे साथ। यदि मेरा कथन तुम्हें छल लगता है मित्र, तो जाओ स्वयं उनसे जाकर पूछो जिनके नाम से तुम संसार को अपना परिचय देते, भद्र अधिरथ और देवी राधा से जाकर पूछ लो। आ गए, उचित समय पर पहुंच गए। आओ भीतर आओ। क्या हुआ पुत्र? तुम राधे नहीं हो अंगराज, तुम सूर्य पुत्र कर्ण हो। एक बार फिर से पुत्र कहकर पुकारिए ना। पुत्र, तुम इतने व्यथित क्यों हो? क्या हुआ? मैं व्यथित था अपने ही माता। मैं समझ गया कि ये वासुदेव का खेल है। वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं माता। ये
खेल? कैसा खेल? क्या विनोद किया केशव ने? बहुत भारी विनोद किया उन्होंने। उनका कहना है कि आप दोनों मेरे बालक माता पिता हैं। मैं पिताश्री को गंगा तट पर मिला था। ये सूर्यदेव मेरे पिता हैं और माता कुंती मेरी माता। परंतु मुझे विश्वास है यह सत्य है। सत्य है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं। मैं आप ही का पुत्र हूं ना? क्या हुआ माता? क्या हुआ पिताश्री? आप दोनों मौन क्यों हैं? कहिए ना कि आप ही मेरी माता है। कहिए ना कि मैं आपका पुत्र हूं। कहिए ना कि आप मेरी माता है। कहिए ना कि आप मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। वर्षों से हमने तुमसे ये सत्य छुपा कर रखा कि देवी कुंती तुम्हारी माता है। इसी कारण हम ना तुम्हें धनुर्विद्या सीखने देना चाहते थे और ना रणभूमि में जाने देना चाहते थे, क्योंकि देवी कुंती तुम्हारी जन्मदात्री है। केशव ने तुमसे कदाचित असत्य नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं। मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। आप असत्य कह रही हैं कि आप मेरी माता नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो क्यों बचपन में जब मुझे भूख लगती थी तब आपको स्वयं ज्ञात हो जाता था? जब मुझे निद्रा आती थी तो कौन मुझे अपनी गोद में सुलाता था? आप ही ना। जब मैं शिक्षा पूर्ण कर घर वापस लौटा तो आपको बिना ज्ञात हुए कैसे
कैसे पता चल गया कि मैं आ गया? और आपने अधिक भोजन मिला है। क्यों मेरे राज्याभिषेक पर? पिताश्री के शपथ देने के पश्चात भी आप मुझे छुप कर देखने आई थी जब मैं अंग जा रहा था, तब क्यों मुझे परिवर्तन का आशीष दिया? क्यों असत्य कह रही है मुझसे? इसीलिए कि मैं इस युद्ध में भाग ना लूं। ठीक, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेता। मैं सदा ही आपके चरणों में बैठा रहूंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। बस इतना कह दीजिए कि आप ही मेरी माता। कह दीजिए आपके अश्रुओं ने और आपकी चुप्पी ने सत्य सामने ला दिया। धन्य है आप तो। किसी और की संतान इतना प्रेम दे। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। अब मेरा सत्य भी सुन लीजिए। मैं सदा राधे करण ही कहलाऊंगा।